हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अन अकेडमी के नीट यूजी के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, और क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक बार हो जाए बढ़िया से, है ना, और पुराना जो पेपर है वो पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाए, जितने भी कंसेप्ट हैं वो एक बार रिवाइज हो जाए, है ना, स्पीड स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। मतलब अगर आप एक बार पढ़ चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। हेलो 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 एवरीवन, हेलो राशिका, हेलो रंजीता, हेलो राज, आ जाओ सब लोग क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, और अभी तक सॉल्यूशन नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कल खत्म किया था मैंने, ठीक है। तो आज फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं और वो है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो इस हफ्ते के खत्म होने होने तक, ठीक है, इस हफ्ते के खत्म होने होने तक अपना ये फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने के बाद ऑर्गेनिक हम लोग स्पेशल वाले क्लास में शुरू कर ही चुके हैं, इनऑर्गेनिक हम यहां पे शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी तो एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पर करा देंगे, ओके। तो हेलो हेलो आकाश, आ जाओ सभी लोग, आ जाओ आ जाओ। हेलो ऋषिका, ठीक है, आ गए सभी लोग। सो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हर एक स्लाइड में, देखो एक ही स्लाइड में केमिकल काइनेटिक्स नहीं खत्म करूंगा, ठीक है। पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इंस्पायर ऑफ लाइव सेशन, ये बेटा रंजीता, ये जो वीडियो जाता है ये तो रिकॉर्डेड भी होता है ना, ये तो सेम एज इट इज रहता ही है ना, ये तो रिकॉर्डेड भी हो जाता है, लाइव भी हो जाता है, दोनों हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चन हर स्लाइड में होते हैं और 6-7 स्लाइड में हर चैप्टर की कराता हूँ, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाते हैं। सो लेट्स क्रैक इट। सर आज सुबह वाला क्लास रिकॉर्डेड है, आज सुबह वाला, हाँ वो जब तुम जाओगे ना वहाँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे तो वो रिकॉर्डेड दिखेगा तुम्हें। इवन जितनी भी क्लासेस लाइव होती हैं ना वो रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, और ये सारा कुछ जो होगा ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल से क्या कर सकते हो, पता ले सकते हो। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है रंजीता, कल से स्टार्ट हुआ है और रोज चल रहा है इस समय, ठीक है। वो बेटा स्पेशल क्लासेस में स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, रोज 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक। अब मैं रोज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका वहां पर स्पेशल क्लासेस वाले में कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग आ जाया करो, फिजिकल यहां खत्म कर लेते हैं तो पैरेलली खत्म हो जाएगा ना जल्दी से। इस तरीके से अगर मैं कराता तो ऑर्गेनिक के लिए अभी एक महीने और वेट करना पड़ता क्योंकि इनऑर्गेनिक आती है ना, सो इसलिए मैंने वहां शुरू कर दिया है, चलिए। और वहां ज्यादा मजा भी आता है रंजीता पाणिग्रही, वहां मैं सारा कुछ करा लूं, जैसे ये है समझ लो वैसे वो है, ठीक है, हर चीज कंसेप्ट वाइज, पीवाईक्यू वाइज, सब कुछ पूरा। गुड आफ्टरनून मन्नत, गुड आफ्टरनून, ठीक है, आ जाइए सभी लोग, ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम लिंक आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं, जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके बनारस यूनिवर्सिटी से, बाकी सब तो जानते हो यार, कितनी बार बताऊं मैं, ठीक है। चलिए जो लोग हैं, मैं 22nd रैंक थी मेरी CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, ओके। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, यूट्यूब पे या स्पेशल क्लासेस में जो भी लेक्चर तुम देख रहे हो ना इससे तुमको 10 गुना बेहतर ही मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे आओगे मेरे तो, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस होंगे ताकि पता चल सके भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। और प्लस सब्सक्रिप्शन का एक फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर आपका जो एजुकेटर है उससे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, तो सारे डाउट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा, और फीस आप देखोगे फीस बहुत कम है, पहचानते हैं तुम्हारे मौसा जी को, तो हाँ पूरे खानदान को पहचानते हैं, ठीक है। चलो मौसा जी का है,
तो ये देखो, 2 साल की जो फीस है, 2 साल की फीस बहुत ही कम है, ठीक है। 2 साल की फीस आप देख सकते हैं 36,000 है, बट अगर आप मेरा कोड SHUVH यूज करोगे, यू विल गेटिंग इन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो प्लीज गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, है ना। और कम से कम 1 साल के कोर्स के लिए तो जाओ ही जाओ। महीने वाले कोर्सेज को मैं आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ आपके ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ कम पैसे लग रहे हैं, और ये पैसे आप EMIs में भी दे सकते हो, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लो जैसे तुम 1 महीने का कोर्स लेने जा रहे हो, 1 महीने का तुम दे रहे हो 5,400 रुपये, तो 1 महीने का तुम 1,350 ही दो ना यार, ठीक है। और तैयारी तो जो है लंबे समय तक करो, अच्छे से करो, ठीक है, डिटेल वे में तैयारी करो। सो उम्मीद करता हूँ सब लोग समझेंगे और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, प्लीज सभी लोग उसके लिए जाइए। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, और ये है अपना केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स वही चीज, पहला लेक्चर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आराम से मक्खन के जैसे इस चैप्टर को ले जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है ना, DC/dt, ठीक है, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अगर हम रेट इज इक्वल टू के ए पावर एन कर दें, सो रेट की यूनिट और के की यूनिट कब बराबर हो पाएगी, जब ए हो ही ना। तो यानी कि अगर एन इज इक्वल टू 0 हुआ, तब आपकी रेट की यूनिट क्या होगी, तब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, यही होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट यूनिट इज सेम एज द यूनिट ऑफ रेट। ये बहुत आसान सवाल था, सबको आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप, देखो यार बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं, लेकिन फिर भी, अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे दिक्कत होती है, तो ये मत देखना, ठीक है, ये मत देखना कि ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मैं क्या पूछूं। अगर आपको छोटी से छोटी चीज नहीं समझ आती, आप पूछिएगा, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। किसी से शर्माने की जरूरत नहीं, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है। कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप ये, -dA/dB इज इक्वल टू, सो अगर हमारे पास कोई इस तरीके की रिएक्शन होती है, ए प्लस बीबी से प्रोडक्ट बन रहा हो, तो रेट एक्सप्रेशन जानते हो ना तुम लोग, जो रिएक्टेंट वाला साइड है, रिएक्टेंट वाला साइड हमेशा क्या होता रहता है, रिएक्टेंट वाला साइड डिकम्पोज होता जाता है, ठीक है। सो अगर रिएक्टेंट वाला साइड डिकम्पोज हो रहा है, तो क्या होगा, माइनस लगाते हैं, -dA/dt, और ये कोफिशियंट से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू -1/b लिखेंगे, dB/dt लिखेंगे, तो हो क्या जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -dA/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a/b dB/dt आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फॉर एक ऐसी रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। तो यार देखो, रेट रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है DC/dt, ठीक है। फॉर गैसेस, सी कैन बी रिप्लेस्ड बाई प्रेशर। क्यों प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि किसी गैस का जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल अगर होगा, वो अगर नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर को उसकी जगह रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, DP/dt हो जाएगा। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमोस्फियर होती है, एटमोस्फियर पर सेकेंड भी कर सकते हैं। सो एटमोस्फियर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि गैसियस रिएक्शन ए टू ये शोज इंक्रीज इन प्रेशर, फ्रॉम 100 मिलीमीटर टू 120 मिलीमीटर HG इन 5 मिनट्स, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए टू इज। सो लगे हाथ, यहीं पर एक चीज मैं आप लोग को समझा दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का मतलब हुआ -dA/dt होता है, ठीक है, चाहे कोफिशियंट कुछ भी मल्टीप्लाई हो। जैसे मान लो यहां 3A2 होता, तब भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये यही लिखते,
लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या करते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को कोफिशियंट से डिवाइड कर देते हो, तो यहाँ कोफिशियंट वन है, सो इन दिस केस रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस इस केस में दोनों बराबर होगा। सो प्रेशर कहां से कहां तक बढ़ जा रहा है, शोज इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 मिलीमीटर टू 120 मिलीमीटर। तो यार ये देखो, ये A2 था गैसियस और ये B गैसियस था, ठीक है, प्लस 1/2 C था, ठीक है, 1/2 C गैसियस था, ठीक है। तो यार ये 100 रहा होगा शुरू में इनिशियली, मान लो एक टाइम के बाद ये x हो गया, तो ये कितना बनेगा, x और x by 2 बनेगा। सो फाइनल प्रेशर कितना है, 100 प्लस x by 2 है, और 100 प्लस x by 2 कितना दिया हुआ, 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, तो इसका ये क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 40 mmHg। तो यानी कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इज 40 mmHg एंड टाइम टेकन इज 5 मिनट्स, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू 40/5 यानी कि 8 mmHg पर मिनट विल बी द आंसर, 8 mmHg पर मिनट विल बी द आंसर। सबको समझ आया है कि ये 8 mmHg पर मिनट मैंने कैसे किया, सेकंड ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ है, सबको समझ आया है, राज को छोड़ के सबको समझ आया है भाई, सभी लोग समझ गए हैं कैसे हुआ है ये। हाँ सबको समझ आ गया, ओके चलो भाई आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल रिएक्ट एट द हाईएस्ट रेट, सो हाईएस्ट रेट किसका होगा, 1 mole of A and 1 mole of B इन अ 1 liter वेसल, ठीक है, 2 mole of A and 2 mole of B इन अ 2 liter वेसल, 3 mole of A and 3 mole of B इन ऑल विल रिएक्ट एट द सेम रेट। सो रेट क्या होता है यार, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, तो कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी हाई होगी रेट उतना ही फास्ट होगा। सो इस केस में अगर देखा जाए तो 1 लीटर है, 1 mole 1 हो, सबकी कंसंट्रेशन मान लो 1/1 है, यहाँ 2/2 है यानी कि फिर से 1 है, यहाँ भी 3/3 है यानी कि 1 ही है। सो इन ऑल दी 3 केसेस कंसंट्रेशन इज सेम, तो अगर कंसंट्रेशन सेम है और कोई डेटा आपके पास अदर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या मान के चलोगे कि ये सारे के सारे सेम रेट के साथ ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, यहां फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन करता है कि नहीं करता है, करता है रेट ऑफ रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट करेगा भाई, गैसियस है तो रिएक्शन फास्ट होगी, सॉलिड स्टेट है रिएक्शन थोड़ा स्लो होगी, साइज ऑफ वेसल करेगा कि नहीं करेगा, साइज ऑफ वेसल अगर ज्यादा है ना, ज्यादा है या कम है, साइज ऑफ वेसल आप बड़ा ले लो तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी, है ना, साइज ऑफ वेसल आप छोटा ले लो तो कंसंट्रेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो कौन सा चीज, देखो फोर्थ ऑप्शन ऋषिका राशिका उषा ये सब फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप लोग, साइज ऑफ वेसल पे नहीं डिपेंड करेगा, डेल्टा और एच ऑफ रिएक्शन जो है ये नहीं इंपैक्ट डालती है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट करता है, फिजिकल स्टेट करती है, साइज ऑफ वेसल करता है, क्योंकि साइज ऑफ वेसल से मान लो तुम गैसियस रिएक्शन करा रहे हो, सो गैसियस रिएक्शन में साइज ऑफ वेसल जो होगा उस हिसाब से कंसंट्रेशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, और कंसंट्रेशन अगर बदलेगी ठीक है, तो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आप लोग, साइज पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, मान लो तुमने 2 mole लिया हुआ है, 1 liter का वेसल ले लिया, तो कंसंट्रेशन क्या है, 2/1 है ना,
तुमने 2 लीटर का वेसल ले लिया तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2/2, 1 मोलर हो जाएगी। तुमने 3 लीटर का वेसल ले लिया तो क्या हो जाएगी, तो कंसेंट्रेशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, समझे? समझ आया? कह रहा है इन अ रिएक्शन 2x + y x2y द एक्स डिसअपियर्स एट, तो पहले तो इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लीजिए। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 dx/dt विल बी इक्वल टू -dy/dt, ठीक है, इज इक्वल टू +dx/2y/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? और अगर हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर ये हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, आप एक बार सारे को कंपेयर कीजिए, सारे डेटा को, कि हाफ द रेट्स एज दैट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई वाई, ठीक है। सो डिसअपियरेंस ऑफ वाई का अगर एक्स देखो तो डबल है ना। आप यहां से अगर कंपेयर करो तो क्या आ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ जो एक्स आ रहा है दैट इज ट्वाइस ऑफ dy/dt, डबल है, तो यानी कि ये गलत है। द सेम रेट एज दैट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई, सेम तो नहीं है, यहां दिख रहा है आपको डबल है। द सेम रेट एज द डिसअपियरेंस ऑफ x2y, वहां भी नहीं है, उसका डबल है, देख लो, अगर देखा जाए तो वहां भी डबल आएगा, है ना। तो क्या कह रहा है, ट्वाइस दैट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ x2y, हाँ बिल्कुल ट्वाइस है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। बी और डी दोनों आर द सेम रेट एज द डिसअपियरेंस ऑफ वाई, नहीं, एक्स का डिसअपियरेंस पूछा है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, अलग होगा, उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस अलग होगा, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखो इसका डबल है, ठीक है, तो बी और डी दोनों नहीं होगा, खाली डी होगा, खाली टू डी होगा केवल, बी नहीं हो सकता राज, बी नहीं हो सकता। द सेम रेट एज दैट ऑफ डिसअपियरेंस, देखो डिसअपियरेंस ऑफ वाई का डिसअपियरेंस ऑफ एक्स का मतलब हुआ -dx/dt, ठीक है, डिसअपियरेंस ऑफ वाई का मतलब होता है -dy/dt, और अपियरेंस, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ x2y का मतलब हुआ +dx/2y/dt। हम बोले थे ना रेट ऑफ अपियरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, ये बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ये है, तो y और x टू y के केस में रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, लेकिन यहां पर x के केस में रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन का डबल है। आई बात समझ में, तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहां पर। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, देखना कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, बताना भैया बताना, इसका आंसर जल्दी से देना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आज शुरुआत में थोड़े से थ्योरी वाले पोर्शन रखा हूं मैं, ठीक है, ताकि वो थ्योरी वाला जो चीज है थोड़े थोड़े क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद कल हम लोग न्यूमेरिकल ले आएंगे ना। बताना भाई, कह रहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, बिल्कुल सही कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन तो कॉन्स्टेंट ही रहती है, इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स ड्यूरिंग द, ये गलत कह रहा है, कॉन्स्टेंट कहाँ रहती है, नहीं कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, रेट तो बदलता रहता है ना जैसे जैसे इनिशियल कंसेंट्रेशन, इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, तो रेट जो होती है यार, रेट जो होती है इन जनरल कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है ना, इनिशियल कंसेंट्रेशन के। तो सर लास्ट वाले सर मल्टीपल करेक्ट है, नहीं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है भैया, सब सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड, नहीं भैया, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो क्या होगा, रिएक्शन अगर प्रोसीड करेगी तो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा, तो डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि ये गलत दिया हुआ है, डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड बिल्कुल सही दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट इंक्रीज फॉलोड, ना 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 ना,
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, राज मल्टीपल करेक्ट नहीं है यार, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अ रिएक्शन इन्वॉल्व टू डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी अ, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी अ, ठीक है। अगर कहीं ऐसी रिएक्शन है जिसमें कम से कम दो रिएक्टेंट हैं, कम से कम, ठीक है, सो वो कभी क्या नहीं हो सकती, नरेंद्र डी नहीं होगा यार, डी तो पिछले वाले क्वेश्चन में डी नहीं था भाई। देखो कह रहा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ऑर्डर का तो कोई डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन कर रहा हूँ, ऑर्डर का तो फिक्स नहीं है ना। इवन सिंगल मॉलिक्यूल होने के बावजूद वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, और 10 मॉलिक्यूल होने के बावजूद वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सो हमारा ए गलत होगा। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अरे ये मतलब सही है, हो सकती है ना सेकेंड ऑर्डर, ओके। बाई मॉलिक्यूलर भाई, दो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूलरिटी तो दो होगी ही होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये भी सही है ना। और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट इज देयर, है ना, सो उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। और अगर आपने दो टाइप ले लिए हैं तो वो तो हमेशा क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर ही होगी, यूनिमॉलिक्यूलर तो कभी नहीं हो सकती, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रीम ऑफ फॉर्च्यून, हेलो हेलो, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, है ना। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2A से 3C, द रेट रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज गिवन बाई, बताना यार जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्या करेक्ट होगा यहां पर, जल्दी बताइए भाई आप लोग। देखिए 2A से 3C है, अभी आज का ये जो सीरीज है, ये समझ लो कि तुम्हारा रेट एक्सप्रेशन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, इनके बेसिक्स पे है पूरा का पूरा, तो इसमें गलत वलत मत कर देना यार। इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो अगर, तो क्या लिखा जाएगा, -1/2 dA/dt इज इक्वल टू +1/3 dC/dt, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, तो माइनस ये नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर ये कहता कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है, तो ये है, ये रेट ऑफ डिसअपियर, ये क्या है बेसिकली, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। और आर इज इक्वल टू -1/2, बिल्कुल ये देखो रेट के बराबर दिख रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन नहीं करेक्ट है ना, ये कुछ और ही है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं करेक्ट है, ये भी कुछ और है, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। मैं देखो तीसरी चौथी बार बता रहा हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों अलग बातें हैं, ये बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, तो इस चीज को लेके बहुत ध्यान से करिएगा। नरेंद्र, वन इज नॉट करेक्ट यार, वन इज नॉट करेक्ट, वन इज बेसिकली डिसअपीयरेंस ऑफ ए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिएक्शन द इनिशियल रेट एट इज फाउंड टू इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -dP/dt एट टी इज इक्वल टू 0, बताइए 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 बताइए। जल्दी आंसर करिए, देखिए इसको कैसे करना था, इनिशियल रेट इसका बता रखा है ना, एंड इनिशियल रेट है ना ये दे रखा है,
माइनस 2.6 इंटू 10 टू द पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस डीवी बाई डी टी। तो जब हम ए प्लस टू बी सी प्लस टू डी को लिखते हैं तो क्या आता है रेट एक्सप्रेशन, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डीवी बाई डी टी लिखेंगे। और हमको क्वेश्चन में सी और डी से कोई मतलब है नहीं, तो कह रहा है कि इनिशियली माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.6 दे रखी है। तो ये माइनस 1/2 डीवी बाई डी टी की वैल्यू ही इतनी ही होगी, तो माइनस डीबी बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसी को 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर पर सेकेंड, 5.2 इंटू 10 टू द पावर 2 मोलर पर सेकेंड हो जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3 द रेट चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज, बताइए। राशि का इसमें देखो फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और यहां जानती हो राशिका मैं जो क्वेश्चन ले आता हूं ना वो वही वाले पोर्शन होते हैं, देखो लगभग लगभग जो फालतू की चीजें हैं वो इसमें छूट जाती हैं, ठीक है। इसमें वही क्वेश्चन आप आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज्यादा जितनी बार देखो यहां जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वहीं से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती क्वेश्चंस के आने की, ठीक है। तो देखो यहां क्या कह रहा है, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन बोला है, समझ रहे हो ना, इट इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, यानी कि माइनस डी एच टू बाई डी टी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना माइनस, ये दिया हुआ है डी एच टू, तो ये हो जाएगा प्लस 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ये दिया हुआ है तो डी एच टू बाई डी टी आपको माइनस में दिया हुआ है तो माइनस डी एच टू बाई डी टी आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज डी एन एच थ्री बाई डी टी पूछा है, क्या होगा। तो भैया आप रिएक्शन के हिसाब से अगर देखिए तो क्या हो जा रहा है, -1/3 डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू +1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी होगा कि नहीं होगा, डी एन एच थ्री बाई डी टी होगा, ओके। सो माइनस ये माइनस डी एच टू बाई डी टी की वैल्यू रख दीजिए, 1/3 इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी। शब्दों का खेल है पूरा, समझ रहे हो ना। सो ये 3 से 3 कट जाएगा तो डी एन एच थ्री बाई डी टी जो आएगा ये आएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4, है ना, 0.2 इंटू 10, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि शब्दों का हेर फेर होता है। मैं देखो बार बार क्यों एक ही चीज 3-4 क्वेश्चन से बोल रहा हूं कि बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस दो अलग बातें हैं, ठीक है। यही अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 0.1 × 10 टू द पावर -4, क्यों, क्योंकि ये डी एच टू बाई डी टी तुमको दिया हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन 1/3 करके है, समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है ना सबको। नहीं नहीं वहां निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा। और इतना दिमाग तो रखो ना यार राज, इतनी छोटी सी चीज कैसे मिस कर जा रहे हो कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव आता है तो प्रोडक्ट का रेट ऑफ चेंज तो पॉजिटिव ही आएगा ना यार, ठीक है। चले आगे, अब देखो ये ग्राफ आ गया, डरना नहीं है ग्राफ देख के, है ना, जल्दी से बता दो जरा इसका आंसर क्या कह रहा है। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ये क्या दे रहा है, ये किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है, जरा बताना जल्दी से, जल्दी से बता देना। आईना नहीं था,
हो गया सबका। इट गिव्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां से पता चलता है कि आपका जो रिएक्टेंट है कितना वो होता जा रहा है। और रेट का मतलब क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन है ना, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम। तो सेकंड भी है ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है, लेकिन ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ऑर्डर के बारे में तो पता होने के लिए डेटा होना चाहिए एग्जैक्ट कि कितने टाइम्स बढ़ गया कितने टाइम्स घट गया, तो ये ऑर्डर नहीं बता पा रहा है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन नरेंद्र, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। भाई रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब पता है ना यार, रेट की एकदम बेसिक डेफिनेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। By time taken, समझे? So change in concentration क्या हो जाएगा? ये concentration minus ये concentration, time taken क्या हो जाएगा? ये time minus ये time, तो ये तो second तो सही है, first भी सही है कि ये आपको rate of disappearance बता रहा है ना? देखो concentration घट रही है, so ये disappearance बता रहा है। अगर concentration बढ़ रही होती तो rate of appearance बताता। आई बात समझ में? हाँ, छो इतना sorry sorry करते करते गलत हो जाएगा, है ना? चार ही ऑप्शन होते हैं तुम सारे ऑप्शन मार दिए आज इस क्वेश्चन में चलो कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखा करो यार। चलो चलो, अच्छा भैया ये बता दो, तो यही बता दो हमको तुम लोग सवाल, आज तुम लोग का रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये क्लास होने के बाद। राशि का क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, समझिए, है ना, सोचिए, तब जवाब दीजिए। तो नरेंद्र किस बात के लिए तुम ओके हुए हो, पिछले वाले क्वेश्चन का थर्ड बता रहे हो या इस वाले क्वेश्चन का थर्ड बता रहे हो, मुझे क्लियर कर दो पहले। हैंग कर रहा तुम्हारा सिस्टम खूब तगड़ा, वायरस की वायरस घुस गया लगता है। देखो फिर से वही चीज, फिर से वही चीज आई है, तुम लोग क्लियर करो भाई ये चीज अपना, है ना, इस पे सवाल आते हैं, ठीक है। ये पोर्शन वैसा है जिसपे हम स्ट्रेस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इस पे सवाल आता है, बहुत आसान आता है, ये शब्दों के खेल में मार खा जाते हो तुम लोग। माइनस वन बाई टू डीबी बाई डीटी लिखा जाएगा इज इक्वल टू माइनस डीए बाई डीटी लिखा जाएगा इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डी सी बाई डी टी लिखा जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी, डिसअपियरेंस ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी नहीं होगा, सी के लिए क्या होगा, रेट ऑफ अपियरेंस होगा, ठीक है। तो यानी कि ये गलत है, ये मत कर देना कि सर टू से ये बराबर है। सो दिस इज बेसिकली अपीयरेंस, प्लस लगा हुआ है तो ये अपीयरेंस होगा, ये डिसअपीयरेंस नहीं होगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए सी। अगेन सी के बारे में डिसअपीयरेंस बोला, गलत बोल रहा है ना, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलता तो मैं मान जाता, तो ये गलत है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी is twice that of rate of disappearance of A. इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना कि माइनस टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी लिखा जा सकता है ना। सो प्लस डी सी बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी। सो जो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का डबल है, ये बात बिल्कुल सही बोला इसने, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
फॉर अ होमोजीनियस एलिमेंट्री रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज। सो यहां से अब पता चलेगा कि किसको एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब पता है। जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना। जल्दी आंसर करिए आप लोग। देखिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है, ऑर्डर का काम कौन करता है? ये करता है। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट की यूनिट क्या हो गई? रेट की यूनिट तो होती है मोल, मोलर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की यूनिट नहीं पता, और मोलर स्क्वायर हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलर इनवर्स बाई सेकेंड, ठीक है। सो मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। सो मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फॉर्मूले में सीधा सीधा रख देना है, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना, गलती होती है, बहुत गलती होती है। सर जी दो होगा? अरे नहीं भाई, दो नहीं होगा, तीन होगा, समझे? तीन होगा नरेंद्र। समझ आया नरेंद्र? क्लियर हो? दो नहीं होगा, तीन होगा, ठीक है। चलो आगे। कह रहा द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय ए रेट ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड मेकिंग द वॉल्यूम ऑफ बी हाफ द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। बताओ भैया, जल्दी बताओ, टाइम दे रहे हैं। नो सर, मे बी फोर। अबे नरेंद्र यार, तुम यार पहले एंटीवायरस इंस्टॉल कराओ अपने दिमाग में। इतना हैंग क्यों कर रहे हो? क्या नहीं समझ आ रहा बताओ? गलत क्यों बता रहे हो? अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि वाई इट वॉज सी। तो आप एक बार दो बता रहे हो, एक बार चार बता रहे हो यार। देखा जाए क्या आंसर होगा इसका। सब लोग अटेम्प्ट कर लिए? चलिए देखते हैं, देखते हैं। कह रहा है रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस ए एंड बी गिवन बाय रेट इज इक्वल टू इतना। सो आर वन दिया हुआ है कितना तुम्हारा? के ए पावर एन बी पावर एम। तो के तो बदलता नहीं है। कह रहा है ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। दूसरा कह रहा है ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब जो नई वाली रेट है उसमें क्या हुआ है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया है, तो ये पावर तो चेंज नहीं होगी। और क्या किया गया है? वॉल्यूम ऑफ बी को हाफ कर दिया गया, तो एंड मेकिंग द वॉल्यूम ऑफ बी हाफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ न्यू, ठीक है। सो आप इसका बी का वॉल्यूम क्या कर दे रहे हो? हाफ कर दे रहे हो। सो वॉल्यूम जब हाफ कर दोगे तो कंसेंट्रेशन तुमने क्या कर दी? डबल कर दी। तो जो नया वाला आया आर टू जो आया वो क्या आ गया? के टू पावर एन ए पावर एन टू पावर एम बी पावर एम। ये आएगा कि नहीं आएगा? सो आर टू इज इक्वल टू आ जाएगा बेसिकली टू पावर एन प्लस एम के ए पावर एन बी पावर एम। आर टू इज इक्वल टू टू पावर एन प्लस एम।
और के इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अगर आप वन से जाके देखो तो इसी को हम आर वन कहते हैं, तो आर टू बाई आर वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू टू द पावर एन प्लस एम आएगा। सो एन प्लस एम आएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा ना कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। राज आपने गलती क्या की है पता है, आपने यहां ध्यान से पढ़ा नहीं, आप यहां पढ़ लिए होते अगर कि वॉल्यूम ऑफ बी हाफ, ठीक है, एंड मेकिंग द वॉल्यूम ऑफ बी हाफ, इफ यू आर मेकिंग द वॉल्यूम हाफ मीन्स यू आर चेंजिंग द कंसेंट्रेशन डबल। वॉल्यूम हाफ करोगे तो कंसेंट्रेशन डबल हो जाएगा ना भाई, समझे? तो मैं बता रहा हूं तुमने गलती क्या की है, इसको बी बाई टू कर दिया है तुमने, तो एक्चुअली ये टू बी होगा। आया समझ में? सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, राशि का वो इज करेक्ट, करेक्ट हो, ठीक है, ध्यान से करा। कंसिडर द रिएक्शन, ये द रेट एक्सप्रेशन इज इतना, एंड इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3 द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। जल्दी से बता देना, ये सब जोर का झटका धीरे वाले क्वेश्चन है ना, बच्चा खूब पढ़ा होता है ये सब, छोटी छोटी गलती करके चला आता है शब्दों के जाल में फंस के, उसको केमिस्ट्री आती है ना, इंग्लिश नहीं आती बेचारे को शब्दों में फंस जाता है। बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा? चलिए देख लेते हैं। कंसीडर द रिएक्शन टू ए, ये इतना इज द रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन दे दिया है, समथिंग के तो दिया ही नहीं है, सीधा सीधा ये दे दिया है ए स्क्वायर बी पावर 0। तो कह रहा है इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/3 यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ जाएगा तो जो नया वाला रेट होगा वो तुम क्या लिखोगे, 3 a पावर 2 3 b पावर 0। तो 0 वाले से तो कोई मतलब है नहीं है, है ना? सो आर डैश इज इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो ये हो जाएगा 9 a स्क्वायर, सो यानी कितने टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया, तो सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो गलती नहीं होता नरेंद्र, वही तो बता रहा हूं, वही पूछ रहा हूं, क्या कंफ्यूजन है बताओ ना, पूछ लो मैं बता दूंगा, बताओ, ठीक है, मैं यहां बताने के लिए तो बैठा हूं, वही मैं जानना चाह रहा हूं तुमको दिक्कत क्या हो रही है, पूछो पूछो, वाई यू आर कंफ्यूज्ड, तुम कंफ्यूज की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज हो, अरे गिल्टी उल्टी कहां फील कर रहे हो यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आता नहीं कोई चीज तो उसमें गिल्टी क्या फील करने की जरूरत है, मेहनत करो आके समझ में आ जाएगा, तो कौन सा अपराध कर दिए, है ना, सबको हर चीज थोड़ी ना आती है, वाई आर यू फीलिंग गिल्टी, हंसो यार, है ना, सीखने ही तो आए हो। देखो राशिका, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो जो नोटिस आई हुई है ना रिडक्शन वाली, वो रिडक्शन वाली नोटिस सीबीएसई के लिए आई हुई है, एनटीए ने नहीं अभी जारी किया, तो यही मान के चलो कि नीट का तो नहीं अभी कुछ रिड्यूस रिड्यूस होगा, लेकिन फिर भी मैंने वो बताया है कि अगर मान लो, मान के चलते हो रिडक्शन वाला बात ना, तो रिडक्शन वाला बात मान के चलते हो तो वो वीडियो देख लो कि जो चीज़ें रिड्यूस हुई है ना उनमें भी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आते रहे, तो वो चीज़ें मत छोड़ के जाना बस, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेट कॉन्स्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर 3 रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, विच वन इज ट्रू फॉर द रेट ऑफ 3 रिएक्शन। सो कह रहा रेट कॉन्स्टेंट सबके लिए सेम है, आर वन के, ठीक है, आर वन के फर्स्ट ऑर्डर, आर टू क्या है के ए स्क्वायर, आर थ्री क्या है के ए क्यूब, और कह रहा है कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन वन है, कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन वन होगा तो ये बताओ ये वैल्यू है, और के वैल्यू अगर सेम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू थोड़ा कम होगी, ये वैल्यू सबसे कम होगी, सो के अगर सेम है तो आप डिवाइड करके देख लो, आर थ्री सबसे ज्यादा आएगा, आर टू आएगा, आर वन आएगा, क्या हुआ? हाँ सर, के सर रिड्यूस होगा तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही यार, तो मेरे ख्याल से रिडक्शन एटलीस्ट नीट वगैरह में तो नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई डॉक्टर बनने जा रहा है बंदा, और डॉक्टर का तुम सिलेबस काट दो, है ना, कल को पता चला वो जो है पेट फाड़ के किसी का बैठा हुआ है और उसको विस्कोसिटी आती ही नहीं है,
तो मर जाएगा ना पेशेंट, तो डॉक्टर तो ऐसा आदमी है, उसको आना चाहिए सब कुछ, उसके उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं होती है। नरेंद्र वो सब तो सही है सर, बट फिर भी इतने सारे मिस्टेक्स। अरे कोई नहीं यार नरेंद्र, प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, है ना, चिल, प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, इसमें गिल्टी विल्टी फील करने की जरूरत नहीं। गिल्टी फील करने से ज्यादा अच्छा है कि आप मोटिवेटेड फील करो, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहो कि ठीक है मुझसे गलती हुई है तो आई विल, मतलब मेक श्योर कि आगे गलती ना हो, है ना। ये वाली शीट एक बार जाके फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, 1 महीने में आदमी के अंदर चेंज आ जाता है अगर वो मेहनत करता है तो, समझे। चले आगे बढ़ते हैं, चलो बता दो इसका इसका आंसर बताओ। नरेंद्र रेगुलर क्लासेस में रहो तुम, ठीक है, क्लासेस में रेगुलर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे जितना मतलब मैं पढ़ा रहा हूं एटलीस्ट वो तो तुम्हारा कवर करा दूंगा ना। और आप लोग प्लीज इन वीडियोस को यार शेयर वेयर कर दिया कीजिए, है ना, और प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग जरूर ले लीजिए मेरा कोड SHUBH यूज करके, ठीक है। BND क्या है सर, क्या BND में समझा नहीं, BND देखो कह रहा है एज्यूमिंग एलिमेंट्री रिएक्शन, जब आप इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लिए हो तो इसका जो कोफिशियंट है वही इसका ऑर्डर है, यानी कि ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया, 1 + 3 + 2, यानी कि 6th ऑर्डर की रिएक्शन है ये। द इफेक्ट ऑफ द रेट ऑन दिस रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाई डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ आई माइनस, सो भैया आई माइनस का कंसेंट्रेशन डबल कर दोगे तो 2 पावर 3 हो जाएगा ना रेट, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। प्लीज टेल ऑप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ, द रेट वुड इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 3। तो देखो देखो मैं शुरू से बता दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा है ये क्वेश्चन समझ रहा, मैं सब बता रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं फास्ट तब चलने लगता हूँ जब मुझे लगता है बच्चा जो है समझ पा रहा है सारी चीजें, अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है तो आई विल बी वेरी स्लो, डोंट वरी। देखो अगर हम इस रिएक्शन को एलिमेंट्री मान लेते हैं, सो एलिमेंट्री मान लेंगे तो रेट क्या लिखा जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2, कंसेंट्रेशन ऑफ आई माइनस का क्यूब, कंसेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, दिस विल बी द रेट एक्सप्रेशन। कह रहा है कि इफ द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाई डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ आई माइनस, अगर आप खाली और खाली आई माइनस की कंसेंट्रेशन को डबल कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब टाइम्स बढ़ जाएगा ना, और 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सो द रेट वुड इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 3 तो नहीं है ना, सही, 3 से तो नहीं बढ़ रहा है ना यार, 3 से नहीं बढ़ रहा है, 8 से बढ़ रहा है। द रेट वुड इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ 8 सही है, द रेट वुड डिक्रीज बाई ए ना, द रेट वुड इंक्रीज बाई ए फैक्टर ना, 8 से बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ऑप्शन देखने का, ऑप्शन नहीं दिख रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन एट होगा, 8 8, ठीक है। अच्छा, वो तुम लोग को दिखा नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन A+B प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज डबल्ड When concentration of A was doubled, when concentration of A and B both was doubled, the rate was again doubled, ठीक है, order of the reaction with respect to A and B. So मान लेते हैं rate expression क्या है अपना, K A power m है, B power n है, ठीक है। कह रहा है कंडीशन नंबर वन, जो जो रेट है वो डबल हो गई, यानी कि 2R हो गई, कब, जब हमने A की कंसेंट्रेशन को डबल किया और B की कंसेंट्रेशन के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है। सो 2R इज इक्वल टू के 2 पावर m R, ठीक है, ये के हट जाएगा। सो यहां से m इज इक्वल टू कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि रेट विथ रिस्पेक्ट टू A वाज फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा कह रहा है कि व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ वाज डबल्ड, तब भी क्या हुई, रिएक्शन डबल हो गई जब दोनों की कंसेंट्रेशन को डबल किया गया। अगेन डबल हुआ, सो यार एम की वैल्यू तो हम रख चुके हैं 1 है,
सो इसका क्या मतलब हुआ, एन जीरो आएगा। सो यानी कि एक के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरोथ ऑर्डर है। सो वन एन जीरो यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं आगे। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट इफ ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन एक्स द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल। ठीक है, अगर एक्स का डबल करने पर डबल हो जा रहा है तो यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में वन है। सो ओवरऑल अगर थ्री है तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा मुंजवानी वाला क्वेश्चन था, समझ आया ना, कि अगर ऑन कंसेंट्रे अगर आप इसका कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हो और रेट डबल हो जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, के एक्स पावर वन वाई पावर टू। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मुझे करके बताइए आप लोग, जल्दी बताइए ये वाला करके बताइए। आंसर करिए भाई जल्दी से। देखिए कह रहा है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू, के दिया हुआ है कितना, वन इंटू 10^-3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए नॉट दिया हुआ है कितना, वन मोल पर लीटर। द कंसेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स वुड बी, 10 मिनट के बाद कंसेंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, सो जीरो थर्ड रिएक्शन है ना, जीरो थर्ड रिएक्शन अगर ये है, सो 10 मिनट के बाद क्या होगा। देखो 10 मिनट के बाद टाइम का मतलब दिया हुआ है 10 मिनट्स यानी कि 60 सेकेंड्स। सो सीधा सीधा यार इससे कर लेते हैं, माइनस dA/dt इज इक्वल टू के पावर जीरो, जीरो थर्ड है ना। सो ये के आ जाएगा तो माइनस dA/, ये के डी टी हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो तो माइनस डी ए का इंटीग्रेशन ए नॉट से ए तक कर दो है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। के टी आ गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। हो गया काम। ए नॉट कितना दिया हुआ है, 1 मोलर दिया हुआ है, ए तुमको निकालना है। के कितना दिया हुआ है, 10^-3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। तो 1 - a इज इक्वल टू 60 का मतलब क्या हो गया, 0.6। तो यानी कि a का मतलब क्या हो गया, 0.4 मोल पर लीटर। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। समझ आया ना कैसे हुआ, थर्ड ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर। चलते आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जल्दी बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, बिल्कुल सही कह रहा है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन थ्री, तो ये भी सही कह रहा है। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू ई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये भी सही कह रहा है। मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नहीं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाली जा सकती। मॉलिक्युलरिटी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी है एक तरीके से देखा जाए तो, जितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो मॉलिक्युलरिटी होती है हमारी। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट टू जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अभी जीरो थर्ड रिएक्शन के लिए हमने क्या किया था, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी हुआ था है ना, ये हुआ था ना हमारा जीरो थर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन यही आया था। सो फॉर टी हाफ के लिए क्या होता है, फॉर टी हाफ ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू होता है। तो भाई के टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू आ जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के आ जाएगा। तो यानी कि इस पर डिपेंड करता है। सो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही कह रहा है ये। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस
इट्स टी हाफ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट कब हो जाएगा, जब बचा हुआ अमाउंट कुछ भी ना हो, व्हेन ए इज इक्वल टू जीरो। सो कंप्लीट के लिए क्या लग रहा है, डबल ही लग रहा है ठीक है, तो ये भी सही कह रहा है। कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम, तो कंसेंट्रेशन लीनियर ही डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये देखो तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है, और एम एक्स प्लस सी टाइप का वेरिएशन क्या बताता है, कि लीनियर लीनियर होगा, लीनियर ही होगा ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपका ये तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब कैसे होगा, राशि का ए नहीं होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन होगा, समझ आया ना, क्योंकि देखो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट बाई टू। और टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन, कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, जब ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, कि ये टाइम कितना आ जाएगा, कंप्लीट कंप्लीट के लिए टाइम कितना लगता है, टी कंप्लीशन यहाँ क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई के हो जाएगा, और ए नॉट बाई आप के देखिए तो ये क्या है, 2 इंटू टी हाफ है ना, किसके लिए, जीरो थर्ड रिएक्शन के लिए। तो आपका जो टी कंप्लीशन है फॉर जीरो थर्ड रिएक्शन, वो टी हाफ का डबल होता है। और कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज लीनियरली, ये देखो ये कॉन्स्टेंट है, ये सी ये मतलब वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, तो कैसा आ रहा है, वाई इज इक्वल टू मैक्स प्लस सी टाइप जैसा आ रहा है, सो लीनियर वेरिएशन होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया, हाँ या ना बोल दो भैया, हाँ या ना तो बोल दिया करो यार, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4 इन अ जीरो थर्ड रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर द हाफ रिएक्शन टू कंप्लीट, बताइए बताइए, जल्दी आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए। आज की इस सीरीज का ये आखिरी सवाल है, इस मतलब आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है। आज तो पहला था, तो पहला देखा कि तब बेसिक था सारा कुछ, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन था, कल थोड़ा सा एसिडिक क्वेश्चन मिलेगा ठीक है। अभी हमने देखा था कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो फॉर जीरो थर्ड रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के आता है, ये हमने देखा था। सो अगर हम नया टी हाफ देखें, टी हाफ डैश, और ए नॉट बाई फोर कर दें कंसंट्रेशन को, ये हो जाएगा कि नहीं। तो जो नया वाला टी हाफ होगा, नया वाला हाफ लाइफ होगा, वो पुराने वाले हाफ लाइफ का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो भाई ये आज का केमिकल काइनेटिक्स का पहला था, और केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग आखिरी चैप्टर कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, समझ आई बात। और इस दौरान हम लोग एक उसका भी कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का किए हुए थे, तो मतलब समझ लो इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक तो हो गया है। तो ये जब केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर दूंगा मैं, यहाँ पर वापस से इनऑर्गेनिक ही शुरू कर दूंगा ठीक है। तो तैयार रहिएगा सभी लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक शेयर कर दिया करो ठीक है, कमेंट कर दिया करो, और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप सभी लोग जरूर जाइए मेरा कोड यूज़ करते हुए, ये है SHUBH, सो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन SHUBH यूज़ करते हुए, इसको आपको इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई जानकारी में कोई है जो अनअकैडमी लेना चाहता है तो प्लीज़ उसको भी इस कोड के बारे में बताइए। कल का टाइम टेबल बता देता हूँ मैं, कल का टाइम टेबल अपना रहेगा 11 से 12, स्पेशल क्लास में मैंने बता दिया है आज की मैं कल क्या लेने वाला हूँ। कल स्पेशल क्लास में मैं आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का पार्ट वन लूंगा, और फिर परसों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का पार्ट टू लूंगा ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग क्लियर रखिएगा। साथ ही साथ 12 तारीख को मेरी स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं केवल और केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं ठीक है। तो उस क्लास में भी आप लोग रहिएगा, और आज शाम 7 से 8 बजे तक, टुडे 7 to 8 PM लेट्स क्रैक नीट यूजी पे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन शुरू करेंगे, है ना, नेक्स्ट इक्वेशन शुरू करेंगे, उसका थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके कुछ एक सवाल कराऊंगा। सो प्लीज़ आप सभी लोग इन सब चीज़ों में मेरा साथ दीजिए, है ना।
जितनी भी क्लासेस मैं अरेंज करता हूँ वो सारी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको लोगों तक पहुँचाइए। और ये प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाना मत भूलिए, प्लस सब्सक्रिप्शन पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ही अच्छा आपको केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। केमिस्ट्री आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। बट प्लीज़ ये जो कोड है SHUBH, इसको यूज़ करना मत भूलिए, SHUBH। और मेरा दूसरा कोड है SPSRI भी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग जाइए, चाहे जो जो कोड यूज़ करके जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हमारी 7 से 8 आज होगी यूट्यूब पे, कल 11 से 12 स्पेशल क्लास होगी। तो स्पेशल क्लास में सब लोग जरूर आया करो यार, ठीक है, स्पेशल क्लास में एकदम मतलब स्ट्रिक्टली आ जाया करो, ओके। तो ये जाओ अभी PDF, नरेंद्र PDF जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और PDF से ये सारे सवाल कर जानिए, ठीक है। कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, कोई डिमोटिवेटिव फील करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो जाइए आप लोग ये डाउनलोड कीजिए और इसको अभी के अभी एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया गया, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके भाई।